जम्मू कश्मीर से बात करते हैं, जहां पर डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। खबर है कि डोडा के टांटना इलाके में आतंकियों ने भीषण गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना के बटालियन के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के डोडा जिले के पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, जो भद्रवाह थातरी गंधो के ऊपरी इलाकों में घूम रहे आतंकी गतिविधियों में शामिल है। कठुआ डोडा नौशेरा आतंक का अगला टारगेट कहां? जम्मू कश्मीर में टेरर अलर्ट है, सुरक्षा बल एक्शन में है, एनकाउंटर जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं, सेना और सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन में जुटे हैं, क्योंकि दहशत गर्दों की टोली दीमक की तरह अपने बिलों में कई झुंड बनाकर बाहर निकली है। सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकियों के गिरोह जम्मू कश्मीर के जंगलों में घात लगाए बैठे हैं। अब तक 4 इलाके में आतंकियों की आहट के निशान मिल चुके हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में अब तक जो हुआ है वो खून खौलाने वाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकी कैसे कायर हमले को अंजाम दे रहे हैं वो जानिए। 12 जून की दोपहर जम्मू के राजौरी जिले में नौशेरा में संदिग्धों को देखे जाने के बाद से सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट पर है। नौशेरा के कलाल इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 11 जून को आतंकियों ने भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गया। 11 जून दहशत गर्दों ने जम्मू के हीरानगर के सैदा सुखल गांव में ग्रामीणों पर पानी नहीं देने पर फायरिंग कर दी थी। आतंकियों की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसएसपी पर आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। 9 जून को जम्मू के कंदा इलाके में शिव खोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस खाई में जा गिरी। 9 जून को हुए टेरर अटैक में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 41 घायल हुए। मतलब ये कि सरहद पार बैठे मौत के सौदागर बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तान की पालतू पलटन भारत में कत्लेआम मचाने के लिए भेजी गई है, मगर आतंकी आकाओं के फरमान पर खून खराबे का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जम्मू कश्मीर में घूम रहे आतंकियों का खात्मा भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। अब तक मारे गए दहशत गर्दों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ता दिख रहा है। सिकरगला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी सीआरपीएफ पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहां पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया, अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। आतंकवादी को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। कुछ पाकिस्तान मेड भी है, कुछ चीजें हैं जो कि ये नया इंफिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। तस्वीरें जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर में ढेर हुए दहशत गर्दों की है। आतंकी के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आतंकियों के पास दवाइयां, पेन किलर, ड्राई फ्रूट्स, चने, चॉकलेट बार, हैंडसेट, एंटीना, 1,00,000 कैश, M4 कार्बाइन, AK-47 बरामद हुई। आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ उससे साफ है कि ये दहशतगर्द लंबे वक्त तक हमले की प्लानिंग लेकर भारत में घुसे थे।
क्योंकि दहशतगर्दों के पास खाने पीने के सामान के साथ 1 लाख कैश भी बरामद हुआ है। गांव में 2 आतंकवादियों को कल शाम से न्यूट्रलाइज किया गया है। जो ऑपरेशन चला है, एक मेजर लेवल का ऑपरेशन जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, एसओजी और बाकी एजेंसीज के ऑफिशियल्स और जवान थे। लगातार कल शाम से 18 घंटे की मशक्कत के बाद 2 आतंकवादी मारे गए। जो 2 आतंकवादी हैं, इन्हीं पहाड़ों को चीरते हुए हीरानगर सेक्टर से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है। पाकिस्तान से एमिनेशन, आर्म्स और एमिनेशन की एक भारी खपत उनके साथ थी, जिसमें ग्रेनेड थे, आईडी था, हथियार थे, उनको लेकर ये इन्फिल्ट्रेट उन्होंने यहाँ से किया। कठुआ में आतंकियों ने किस तरह हमले को अंजाम दिया, चश्मदीद की जुबानी सुनी। किसने मारी? और इस बीच कुवैत से महत्वपूर्ण खबर है, जहां पर मंगाव शहर की एक इमारत में आग लगने से मौत का आंकड़ा 49 पहुंच चुका है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 41 भारतीय हैं। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग में 107 से ज्यादा लोग यहां रह रहे थे, जिसमें ज्यादातर भारतीय थे। एमोस कीर्ति वर्धन कुवैत के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत मामले को लेकर बड़ी बैठक की थी और केंद्रीय राज्य मंत्री को कुवैत जाने के निर्देश दिए थे। एमओएस कीर्ति वर्धन कुवैत के लिए रवाना हो गए हैं। ताजा अपडेट सामने आ रहा है। तो दम घुटने से, झुलसने से 41 लोगों की यहां पर आपको बता दें कि भारतीय हैं, इनकी मौत हुई है। कुल मिलाकर 49 यह आंकड़ा मौत का पहुंच चुका है और इसमें 11 लोग केरल के बताए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी क्षति भारतीयों की, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ गए हैं। कल उन्होंने एक बैठक ली जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री को कुवैत जाने के निर्देश दिए। एमओएस कीर्ति वर्धन कुवैत के लिए रवाना हो गए हैं। ये 6 मंजिला इमारत जहां पर आग लगी थी और आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई थी। कुवैत की इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और बड़ी बैठक की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को बैठक के लिए बुलाया। आज विदेश राज्य मंत्री कुवैत के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं वो घायलों की मदद करेंगे, लोगों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए की रायता शादी का ऐलान भी किया है। 2-2 लाख रुपए की रायता राहत राशि का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके यहाँ, जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनके अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी है। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। जमवा रामगढ़ में ट्रक और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 5 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने शवों को मोर्ची में रखवाया है। खाटू श्याम जी के दर्शन कर ये सभी घर लौट रहे थे कि दौरान ये दर्दनाक हादसा उनके साथ हो गया। रायसर इलाके के मोहनपुर दौसा हाईवे पर देर रात यह हादसा हुआ है। देर रात की तस्वीरें भी आपके सामने है, जहां पर देखिए ये वही ट्रक है जिसकी कार के साथ भिड़ंत हुई। इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि इसमें 3 लोग मौत के आगोश में समा चुके हैं, जिसमें 5 साल की बच्ची भी शामिल है। एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं जो खाटू श्याम के दर्शन कर घर वापस लौट रहे थे कि दौरान ये हादसा हुआ। और इस खबर के साथ मारुरासन में आज के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज 18 राजस्थान। We'll be right back.